हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर को प्रदेश का चीरापूंजी बताते हुए कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अटल पारक का नामकरण और हथनीकुंड बैराज पर यमुना में बोटिंग की शुरुआत के साथ ही उन्होंने खुद भी मोटर बोटिंग का आनंद लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पटियाला पेहवा कुरुक्षेत्र लाडवा के रास्ते यमुनानगर तक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि असम के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बरसात होती है। इसी तरह से प्रदेश के यमुनानगर जिले में यहां ज्यादा बरसात होने के कारण इसे भी चेरापूंजी कहा जा सकता है। यहां भी सबसे ज्यादा बरसात होती है। बरसाती दिनों में यमुना, सोम, पथराल व अन्य बरसाती नदियां ओवरफ्लो रहती हैं। इस जिले में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। यहां टूरिज्म बढ़ा है, साथ ही इलाके की प्रगति भी हुई है, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन के नाते लोगों का रुझान बढ़े इसके लिए हथनीकुंड बैराज में वाटर राइडिंग व यमुना में बोटिंग की शुरुआत की गई है। हथनीकुंड बैराज पर आकर आप पर्यटक आनंद ले सकेंगे। यमुनानगर को प्रदेश का चीरापूंजी बताते हुए उन्होंने कहा कि अटल पार्क का नामकरण और हथनीकुंड बैराज पर यमुना में बोटिंग की शुरुआत के साथ ही उन्होंने खुद भी मोटर बोटिंग का आनंद लिया। साथ ही उन्होंने यहां पर एडवेंचर टूरिज्म में अपार संभावनाएं भी बताई। आपको बता दें कि नेशनल ग्लेशियर पार्क में कोरोना काल में बंद हुई जंगल सफारी भी अब जल्द ही शुरू होगी। लोगों की मांग पर सीएम ने कहा कि पटियाला पेहवा कुरुक्षेत्र और लाडवा के रास्ते यमुनानगर तक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात हो गई है। यदि 6 महीने तक केंद्र इस सड़क को नहीं बनाता तो राज्य सरकार स्टेट हाईवे बनाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि टिक्कर ताल की तर्ज पर हथनीकुंड को भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वैसे तो प्रकृति के कारण जिले में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावना है। आज के युवाओं का साहसिक खेलों की ओर रुझान ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री कंवल पाल गुर्जर के साथ हथनीकुंड पर यमुना में बोट राइडिंग व जेट राइडिंग का आनंद लिया। इस दौरान हथनीकुंड बैराज का उन्होंने दौरा भी किया, साथ में सुरक्षा कर्मचारियों की बोट चल रही थी। उन्होंने कहा कि पिंजौर में भी हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है। ये बैलून लोगों को लेकर ऊपर उड़ता है और भ्रमण करवाकर वापसी आ जाता है। मित्रों, बस चलो चलो, हाथ आ रहा है किसका है यार? जैसा हमको जानकारी है, प्रातःकाल सबसे पहला जो बजट जिसका हमने आज उद्घाटन किया, लॉन्च किया, वो हॉट एयर बैलून पिंजौर से एक साइड से वो शुरू किया और 45 मिनट की एक हॉट एयर बैलून की जो फ्लाइट है उसकी राइड हम लोगों ने ली, उसको लॉन्च किया है। यार ये इंडिया न्यूज़ नीचे कर लो यार, एक फ्लाइट उसकी सुबह चलेगी, आवश्यकता पड़ने पर शाम को भी चल सकती है। अच्छा, वो एक एडवेंचरस एक प्रकार का वो एक प्रोग्राम है और टूरिज्म के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, खास करके जो हाईली पेड जो भी सर्विसेज हैं उसमें इसको गिना जाता है। 13,000 रुपये एक राइड का, 45 मिनट का उसका जो उन्होंने किराया रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने पहली बार इसको शुरू किया है और गेटवे ऑफ हिमाचल के नाते से पिंजौर एक ऐसा स्थान है कि वहाँ बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सर आज दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ हथनीकुंड में, आज ये जो हम देख रहे हैं कि बोट राइडिंग और तो ये दोनों चीज़ें, ये एक वाटर लेवल वाटर बॉडी हमारी यहाँ, ये हथनीकुंड का जो बैराज है इस नाते से बहुत अच्छा ये स्पॉट है। तो टूरिज्म के नाते से इससे पहले भी हमने मोरनी में टिकर ताल में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन वो छोटी लेक है, ये लेक बड़ी है, वाटर बॉडी ज़्यादा बड़ी है, इसमें कार्यक्रम चलेगा और नेशनल हाईवे के ऊपर ये भी एक प्रकार से हिमाचल का, उत्तराखंड का ये रास्ता है। तो यहाँ पर एक टूरिज्म का अच्छा केंद्र ये बने इस नाते आज शुरू किया है। यहाँ ऊपर जो पार्क बनाया जा रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट उस पर विचार किया जा रहा है, इस पार्क का नाम भी आज अटल पार्क इस नाते से रखा गया है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आज के हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इतिहास में कहें या इस पद इस यात्रा में एक अगला कदम अच्छा होगा। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा, आपने अभी खुद राइड किया है, क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि पानी के अंदर राइडिंग करना ये ठीक है कि पहली बार जब करते हैं तो थोड़ा सा आदमी को लगता ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उलट पलट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो कि कक्षा जो टी ट्रोली होती है साथ, वो साथ में रहती है और जो इसके एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो भी साथ में होते हैं, लेकिन बेझिझक मैंने उसको चलाया है। मुझे कहीं सर जंगल सफारी शुरू की गई है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जंगल सफारी का एक प्रोजेक्ट हम बहुत जल्दी गुरुग्राम के पास 10,000 एकड़ के अंदर शुरू करने जा रहे हैं और टूरिज्म अपने आप में न केवल अपने प्रदेश देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा सेक्टर है
जिसके अंदर दुनिया भर से लोग इस टूरिज्म की अच्छे टूरिज्म की इको टूरिज्म की चीज़ों की तलाश करते हैं। जहाँ जहाँ टूरिज्म बढ़ा है वहाँ वहाँ उनकी एक प्रकार से प्रगति, अच्छी प्रगति, आर्थिक प्रगति हुई है, रोजगार बहुत लोगों को मिला है। सर ये दिल्ली के नज़दीक है, आपने जब पहली बार मुख्या मंदिर बने थे इधर का मार्ग बनाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे जो दिल्ली यूपी और उत्तरांचल को उत्तराखंड को बेनिफिट देगा, क्या उसका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और चर्चा भी उसकी चलती है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी क्योंकि हैवी कॉस्ट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमारे नितिन गडकरी बहुत रुचि दिखा रहे हैं और अभी भी उसके बारे में कोई प्लान बन सकती है। यमुनानगर इस जातिगत राजनीति के खिलाफ है, हमने फोर सीज को खत्म करने की बात कही थी, फर्स्ट सीज करप्शन, क्राइम, क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स, और इन तीनों की जन्मदाता है कांग्रेस। ऑल दिस स्टैंड्स फॉर सी, सी स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ये हमने समाप्त करने का जो काम किया है तो उसमें जातिगत पॉलिटिक्स भी हम नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अगर जाति के बारे में विचार करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी घोषणा की, मोदी जी भी उसको कर चुके हैं, हमारे लिए दो ही जातियां हैं समाज के नाते से, एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर वर्ग है। तो गरीब और अमीर की खाई को कैसे कम किया जाए और गरीबों की अंत्योदय की योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लागू की जाए, ये गन्ने की कीमतों में 14 रुपये की वृद्धि की गई है।